G20 समिट को लेकर होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। शिखर सम्मेलन आयोजित यहां पर किया जाएगा। इस सम्मेलन को लेकर आज से विदेशी मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पर भव्य इंतजाम किए गए हैं। 19 और 20 अप्रैल को G20 शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होने वाली है। साइंस और टेक्नोलॉजी की थीम पर यहां पर ये बैठक होने वाली है। दो दिनों तक ये बैठक चलेगी। कई विदेशी मेहमान धर्मशाला पहुंचेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर तैयारियां इसको लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आज ही से विदेशी मेहमान यहां पर आने शुरू हो जाएंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। विचित्र, कितने बजे से हम ये माने कि मेहमानों का आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा? कांगड़ा एयरपोर्ट की क्या बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है? और मैं देख पा रही हूं कि आप खुद भी कांगड़ा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें भी साझा करें और इसको लेकर अतिरिक्त जानकारियां भी। विचित्र, जैस्मिन, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज कांगड़ा की इस पवित्र धरा पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है और इस अंतर्राष्ट्रीय मेला में कई बड़ी डिग्निटीज, कई बड़ी हस्तियां जो है वो पहुंचने शुरू हो चुकी है। खासतौर पर हम लोग अगर विदेशी मेहमानों की बात करें तो बिल्कुल अब उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपसे थोड़ी देर पहले ही जो है तीन कंट्रीज के जो विदेशी मेहमान थे, जिसमें से रशिया, यूएई और इंडोनेशिया, उनके जो डेलीगेट्स थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, धर्मशाला की इस पवित्र धरा पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद बाकी के जो डेलीगेट्स होंगे वो भी आने शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं तस्वीरें साझा करूंगा और फिर आप देख सकती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। ये गद्याली नाटी है जो कि यहाँ पर ये जो गद्दी लोक नृत्य दल है उनकी ओर से यहाँ पर डाली जा रही है और इसी तरह से बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं G20 से संबंधित। हिमाचल सरकार की ओर से जो है यहाँ पर शाहपुर से विधायक जो केवल पठानिया है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यानी भारत सरकार की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उनकी ओर से यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चार कांगड़ा के बड़े नेताओं, जिनमें से कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलहई से विधायक विपिन परमार, इसके अलावा जो है सांसद किशन कपूर, इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो इंदु गोस्वामी हैं वो, और धर्मशाला नगर निगम के जो मेयर हैं, महापौर हैं ओंकार नहरिया, उनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है और इसी तरह से कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं। सभी को इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ इस वक्त जो है शाहपुर से विधायक, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हिमाचल सरकार की ओर से की गई है और कैसे इस G20 की मार्फत जो है हिमाचल प्रदेश को और भी कठिन के क्षेत्र में आगे उभारा जाएगा। पठानिया जी, कैसे देखते हैं G20 के इस बड़े खास सम्मेलन को? सबसे पहले तो मैं G20 डेलीगेट आ रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक किस्म का इवेंट है। न केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश है, जो भी डेलीगेट आए, प्रदेश सरकार ने ये प्रबंध करके रखा हुआ कि जो भी डेलीगेट आए उसको देवी देवताओं के रूप में जो आज प्रशासनिक स्वागत देख रहे हो, और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो इससे मैं कहता हूँ एक तो क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन होगी, दूसरा पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है वो विश्व भर में G20 में घूमेगा। और मैं कहता हूँ ये जो माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रीन स्टेट का नारा दिया है, ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जिस तरीके से कल इलेक्ट्रिकल बसें आई हैं वो ऑटोमेटिकली ये जो क्लाइमेट चेंज पे अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो है वो सम्मेलन यहाँ हो रहा है, तो इससे जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का विजन हिमाचल प्रदेश में आगे जाएगा और ये जो डेलीगेट यहाँ डिस्कस करके जाएंगे, तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के देवी भूमि में हिमाचल के लोगों को भी और हिमाचल के पर्यटन को चार चांद लगेंगे। पठानी जी, हम देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जिस तरह से दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या यहाँ पर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के वो भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम जो है वो अंदर किए गए, क्योंकि अंदर जो है वो मीडिया को जाने की मनाही ही है, तो किस तरह के इंतजाम है वहाँ पर और किस तरह की आप विदेशी मेहमानों के दिलो दिमाग पर जो है वो एक अलग से छाप, अनूठी छाप जो वो उनके जहन में रचाना बसाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की, खासतौर पर कांगड़ा की? मैं कहता हूँ ये हमारा ये इलाका कांगड़ा चंबा का इलाका है, अंदर जो है वो देवी देवताओं और का स्वागत किया जा रहा है। ये हमारा गद्दी नृत्य चला है, बड़े हमारा मान और सम्मान के बाद उसी वेशभूषा में यहाँ स्वागत किया जा रहा है। अंदर झुमाकड़े का है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लगे हैं, कांगड़ा की पेंटिंग लगी है,
तो कोशिश की गई है कि हिमाचल के रिचुअल के हिसाब से जो है डेलीगेट का जो है वो स्वागत किया जाए। और आप देख रहे होंगे अंदर तो अंदर बाहर भी लोगों में उत्साह है, जगह जगह में उत्साह है। और हिमाचल सरकार ने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंश्योर किया है कि हमारे कल्चर को, हमारे टूरिज्म को, क्योंकि ये इवेंट तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिस एयरपोर्ट पे आज हम बैठे हैं आप देख रहे होंगे बाहर, कई दिनों से जो है नेशनल हाईवे की क्या पोजीशन थी वो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हुई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपना इंतजाम पूरा किया है। जश्न यहाँ पर जो है वो कांगड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी इस वक्त के निदेशक एंड डायरेक्टर हैं धीरेंद्र सिंह, वो भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से भी जानना चाहेंगे। सर, दुल्हन की तरह सजाया है आपने एयरपोर्ट को। थैंक यू, ये तो हम सब ने मिलकर प्रयास किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी और स्टेट ने भी और सेंटर ने भी, सब मिलकर प्रयास। सुरक्षा के लिहाज से सर कैसे देखेंगे आप, किस तरह के चाक चौबंद यहाँ पर जो है वो इंतजाम किए गए हैं, कहाँ कहाँ सुरक्षा जो है तैनात की गई है? सुरक्षा के यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर जो है जवान जो है नियुक्त किए। जश्न देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर बाकी के तमाम सारे इंतजाम हो, हर इंतजाम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद किए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि विदेशी डेलीगेट्स जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यूएई, इंडोनेशिया और रशियन, ये डेलीगेट्स तो ये पहुंच चुके हैं, उनका खैर मकदम, उनका इस्तकबाल जो है यहाँ पर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के बाहर से आपने तस्वीरें दिखाई, भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका जिक्र तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की जो सांस्कृतिक सुंदरता है उसे भी दर्शाने की कोशिश की जाएगी और हिमाचल प्रदेश की एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की जाएगी उन तमाम विदेशी मेहमानों के मन में। विचित्र, क्योंकि मौसम को लेकर भी कई तरीके के अलर्ट जारी किए गए हैं, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, ऐसे में दो दिनों के लिए यहाँ पर यह सम्मेलन होने वाला है, मौसम के लिहाज से क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है? विचित्र, बिल्कुल जश्न, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मौसम की भी तस्वीर मैं आप लोगों को साझा कर ही देता हूं, अपने दर्शकों को भी कर देता हूं। देखिए, इस वक्त जो है वाकई में कांगड़ा में जो है इस वक्त खासतौर पर धर्मशाला की अगर बात करें तो काले बादल यहां पर छाए हुए हैं, कांगड़ा घाटी समूची बादलों की आगोश में है और सुबह तो हल्की हल्की बारिश भी हुई है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी अगले 3 से 4 दिन कुछ इसी तरह से मौसम के रहने के जो है वो आसार हैं। लेकिन क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये एक जो है वो इंडोर स्टेडियम के अंदर होने वाला है तो इंडोर में ये बैठक होने वाली है दो दिन, तो उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और ऊपर से क्या है कि जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और अगर इस तरह से मौसम रहता तो निश्चित तौर पर उनके दिलो दिमाग पर और भी एक अच्छी जो छाप है वो उनके जहन में रहेगी, क्योंकि बाकी के क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जो है गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, तो उससे निजात यहाँ पर इनको मिलेगी, यहाँ का मौसम उनको निश्चित तौर पर जो है वो खुशगवार करेगा और जब वो यहाँ पर घूमेंगे, यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर वो लोग जो है बहुत प्रसन्न होंगे और यानी यूं कह सकते हैं कि कुदरत भी कहीं ना कहीं उनके इस्तकबाल के लिए जो है यहाँ पर तैयार है, क्योंकि इस तरह से मौसम का यहाँ पर होना, वो भी गर्मियों के वक्त, ये अपने आप में सोने पर सुहागा कर देने वाली बात रहती है। देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं, खूबसूरत यहाँ के नजारे हैं, जब इन सब नजारों का वो यहाँ पर आकर अवलोकन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी ये बात जाएगी कि जो भारत है और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश है वो वहाँ कितनी ग्रीनरी है, वो कितनी हरित स्टेट है, तो ये तमाम सारी चीजें रहेगी। और आज तो वो लोग जो है वो मेहमान बिल्कुल हिमाचल के लिए ये बेहद गर्व की बात है कि इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल में हो रहा है और कांगड़ा में हो रहा है, जिसको लेकर हाल ही में सीएम सुखू का विजन भी सामने आया था पर्यटन की दृष्टि से एक टूरिज्म कैपिटल के तौर पर कांगड़ा को स्थापित करने के लिए, ये बेहद बेहतरीन मौका नजर आ रहा है। विचित्र, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे किस तरीके से उन्हें लोकेशन पर पहुंचाया जाएगा जहां पर बैठक आयोजन किया गया है, उनके रहने की किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? विचित्र, जश्न देखिए, जैसा मैंने कहा कि धर्मशाला के एक बहुत नामी होटल है वहाँ पर जो है ये एक कार्यक्रम होना है, यानी 19 और 20 अप्रैल को जो है यहाँ पर बैठक होंगी और वहीं पर जो है वो ठहरने का भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि डेलीगेट्स को बाहर कहीं और दूसरी जगहों पर नहीं रुकाया गया है, लेकिन उनके साथ जो बाकी के जो साथी होंगे उनके लिए जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेज या रेस्ट हाउसेज जो हैं वो पूरी तरह से बुक रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसके साथ साथ जो है उनको जो है वो घुमाने के भी इंतजाम किए गए हैं, वो
धर्मशाला के अलग अलग हिस्सों पर जाएंगे, वहाँ का अवलोकन करेंगे, वहाँ की सौंदर्यता का नजारा लेंगे। लेकिन हाँ, ठहरने और खाने पीने और बाकी के जो इंतजाम हैं वो पूरी तरह से जिला प्रशासन और खासतौर पर हिमाचल सरकार की ओर से पुख्ता तरीके से किए गए हैं। और इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज भी होती रहेंगी, जैसे कि ये देखिए तस्वीरों में मैं साझा भी करना चाहूंगा एक बार देखिए। और बकायदा जो है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब आएंगे तो वो यहाँ पर उनको गाला डिनर भी देने वाले हैं और उनके साथ बैठकर जो है हिमाचल की संस्कृति से उनको ओतप्रोत करवाएंगे और हर तरह से हर लिहाज से इस्तकबाल के लिए तैयार। पूरा कांगड़ा जिला तैयार है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। दो दिन के लिए यहाँ पर ये बैठक होनी है और रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, मेहमानों का स्वागत भी गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है। विचित्र नजर बना के रखें, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, इसी पर जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।